हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से आधार कार्ड वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं। उसके साथ साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है या नहीं। मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, वो भी हम इधर से चेक कर सकते। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको सर्च बार दिखेगा, वही सर्च बार में जाना पड़ेगा। सर्च बार में जाके हमको लिखना पड़ेगा UIDAI। तो हम क्या करेंगे, सर्च बार में जाके लिख देंगे UIDAI। UIDAI लिख के सर्च करने से पहला वाला जो लिंक इधर आ जाएगा UIDAI.gov.in, वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर जो पहला वाला लिंक दिख रहा है वही लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इधर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। तो इधर नीचे मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, जिधर हमको एक ऑप्शन दिखेगा माई आधार। माई आधार के अंदर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार सर्विसेज, वही आधार सर्विसेज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो इधर थर्ड में जो आधार सर्विसेज ऑप्शन दिख रहा है उधर जाना पड़ेगा। उधर चला जाएंगे तो इधर पहला वाला जो ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई एन आधार नंबर, वही वेरीफाई एन आधार नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उधर क्लिक कर देंगे तो वेरीफाई आधार का पेज आ जाएगा। तो देखिए इधर हमको सबसे पहले आधार नंबर डालना पड़ेगा, उसके नीचे कैप्चा डालना पड़ेगा जो कैप्चा हमको इधर दिख रहा है। तो ये दोनों डालने के बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर दोनों फिलअप कर देंगे। तो देखिए इधर हम पूरा फिलअप कर दिया, पूरा फिलअप करने के बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इधर मेरे को दिख रहा है आधार नंबर दिख रहा है और दिख रहा है कि एग्जिस्ट यानी आधार नंबर एक्टिव है। नीचे हमको दिख रहा है आधार वेरीफिकेशन कंप्लीटेड, आधार वेरीफिकेशन कंप्लीट हो गया। और नीचे हमको एज बैंड दिखेगा, आधार कार्ड कौन सा एज बैंड का है वो भी हमको दिखेगा। नीचे हमको जेंडर दिखेगा, कौन सा जेंडर का है। उसके नीचे हमको स्टेट दिखेगा, कौन सा स्टेट का है ये आधार कार्ड, वो भी हमको दिखेगा। नीचे हमको मोबाइल नंबर दिख रहा है यानी मोबाइल नंबर रजिस्टर है। मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट हमको दिखेगा, आगे का नंबर क्रॉस रहेगा, लास्ट 3 डिजिट से हमको पता चल जाएगा कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर है। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीका से आधार कार्ड वेरीफाई करके पता कर सकते कि आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं। उसके साथ साथ ये भी पता कर सकते कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।